सादर जय सियाराम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात। माँ शारदे, श्री गणेश जी, भोले बाबा और हनुमान जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हैं। मंच पर प्रतिष्ठित दिव्य व्यासपीठ पर शोभायमान अखिल ब्रह्मांड के नायक अकारण करुणा वरुणालय ठाकुर जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हैं। श्री रामचरितमानस भगवान को कोटि कोटि वंदन और संपूर्ण सनातन जगत को भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान कराने वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय व्यास भगवान के रूप में श्री महाराजा श्री के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हैं। उपस्थित आप समस्त देवता तुल्य जनता जनार्दन, देवी तुल्य माताएं बहनें, आप सभी को सादर जय सियाराम कहते हैं। श्री रुद्र महायज्ञ सह भगवान की कथा का मंगलमय महामहोत्सव जिसमें हम आप सम्मिलित हुए हैं, हम आपको सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवाधिदेव आदिदेव भूत भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना वंदना श्री रुद्र महायज्ञ के माध्यम से की जा रही है। परमादरणीय किरण प्रभाकर जी के पूजनीय माता जी, पिताजी और उनका पूरा परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधव सब लोग मिलके ये महामहोत्सव की रचना बनाए हैं, जिसमें श्री रुद्र महायज्ञ सह भगवान की मंगलमयी कथा का महोत्सव और भगवान की मंगलमयी कथा आप जिनके मुखार बिंदु से दिव्य वाणी में श्रवण कर रहे हैं, आज वर्तमान समय में समस्त सनातन जगत आपकी दिव्य वाणी से ओत प्रोत हो रहा है। महादेव को नमन करते हैं। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांडना नितहोत नाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः। श्री ज्ञान गंगा चंद्रमा च्युत ब्रह्म ज्योति ललाटमा विष्णागमाला कंठमा नटराज राज नमो नमः। तव शक्ति बामे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुबेद गामे संगीता नटराज राज नमो नमः। देवाधिदेव महादेव को कोटि सा नमन है। आइए पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंदु से हम सभी भगवान की मंगलमयी कथा का दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आज वर्तमान समय में संपूर्ण सनातन जगत में बाल, वृद्ध, युवान, नर, नारी, सभी सनातनी, सभी भगवत कथा के प्रेमी, सभी भागवत, सभी वैष्णव, सब भगवान की इस मंगलमयी कथा को पूज्य महाराज श्री के अमृतमयी वाणी के माध्यम से श्रवण करके अपने आप को और अपने इस जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। उसी क्रम में आइए हम भी पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंदु से प्रकट हुई श्री कथा गंगा में गोता लगाते हैं और अपने आप को धन्य बनाते हैं। सादर जय सियाराम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम स्वस्ते गणेशाय
श्री सरस्वत्यै नमः श्री परमात्मने नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन सुनहु कथा करूंगा सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री सी तानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर वंदे श्री गुरु परम परा श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये जगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदया रविन्दे भवं भवानी सहितं म
मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जिते वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम करहु सुबे
माता राम मत पिता राम चंद्र स्वामी राम मत सखा राम चंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्र बोड़त लखे प्रगटे सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। बिहार के रोहतास जनपद में स्थित आपका ये ग्राम खैरा भूधर, जिसके परम पुनीत इस धरती पर श्री रुद्र महायज्ञ के साथ साथ हम और आप इस सप्त दिवसीय श्री राम कथा गंगा में पिछले 5 दिनों से नित्य अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इस पूरे आयोजन के केंद्र में परम आदरणीय श्रीमती किरण प्रभाकर जी, जिनके पावन जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ये रुद्र महायज्ञ और श्री राम कथा
कि गंगा इस खैरा भूधर की धरती पर प्रवाहित हो रही है। पूरा परिवार तन से मन से धन से भाव से लगा हुआ है। एक सूचना आप लोगों को प्रेषित करनी है। इस कथा के आयोजक यजमान तो आदरणीय किरण जी हैं, लेकिन आयोजक परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान कपिल मुनि तिवारी जी एवं मैया श्रीमती मालती देवी जी, जिनको आप नित्य यहाँ पूजन में देखते थे, आज बाबूजी श्रीमान कपिल मुनि तिवारी जी के बड़े भैया, जिनकी अवस्था लगभग 95 वर्ष के आसपास की थी, कुछ वर्षों से शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे, आज प्रातःकाल भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गए। तो ऐसा तो लगता है कि मानो ये कथामृत पान करने के लिए ही रुके थे वो। उनका नाम श्रीमान शिव मुनि तिवारी जी, रुद्र महायज्ञ का दर्शन करके भगवान शिव के द्वारा रचित इस राम कथा को श्रवण करके ऐसा प्रतीत होता है कि श्री शिव मुनि तिवारी जी साक्षात भगवान शिव के लोक की ओर चले गए और मुक्ति को प्राप्त कर गए। मैं भगवान शिव अपने रघुनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूं कि उस मुक्त आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और अपनी कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर बना करके सदैव इसी प्रकार रखें। ऐसी मेरी भगवान के चरणों में मंगल प्रार्थना है। कथा में हम और आप आगे बढ़ें उससे पहले दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम और आप जितने लोग इस पंडाल में हैं 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे, उसके बाद पुनः कथा गंगा में आगे प्रवाहित होंगे। सभी लोग 2 मिनट के लिए ओम शांति शांति शांति। यही जीवन का कटु सत्य है। जीव अपनी रचना बनाकर बैठा है, ऊपर वाला अपनी रचना बना करके बैठा है। जीवन में यदि आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो भगवान की रचना में अपनी रचना को समाहित कर दीजिए, जीवन पर्यंत आनंद बना रहेगा। कल हमने और आपने गाया, श्रवण किया,
श्री विश्वामित्र जी के साथ भगवान यज्ञ रक्षा करने के लिए अयोध्या से चलकर बक्सर आए। प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की। गुरु देव भगवान श्री विश्वामित्र जी के श्रीमुख से मिथिला के धनुष यज्ञ को भगवान सुने और पीछे पीछे चल पड़े। जीवन में वो मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसके आगे कोई चलने वाला है। यदि आपको घर परिवार में कोई डांटने वाला है, आप बड़भागी हैं। कमी उस दिन पता चलता है माई बाप, जब हमारी गलतियों पर हमको कोई डांटने वाला ना हो। राम जी, लक्ष्मण जी श्री विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल पड़े। मार्ग में प्रभु ने मां अहल्या को सदगति प्रदान की है। उसके बाद मिथिला प्रवेश हुआ। श्री जनक जी महाराज ने भगवान को मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान प्रदान किया है। सुंदर सदन सुखद सब काला। गोस्वामी जी कहते हैं किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में उस घर के भीतर आप जाइए तो आपको सुख की अनुभूति होगी। संध्या वेला में मिथिला दर्शन करने का भाव जागृत हुआ। किसके हृदय में? लक्ष्मण जी के हृदय में। अब यहां एक निवेदन मैं आपसे करूं, एक पद है, अरे अखिया हरि दर्शन के प्यासे, अखिया हरि दर्शन के प्यासे। जिसकी आंखों ने, इसको समझिएगा इस प्रसंग को, जिसकी आंखों ने भगवान को निहार लिया हो उसके बाद कुछ निहारना शेष बच जाएगा क्या? जो दिन रात भगवान को देख रहा हो, क्या भगवान को देखने के बाद भी कुछ देखना शेष बच जाता है? नहीं। तो आज लक्ष्मण जी के मन में यह भाव मिथिला देखने का कैसे प्रकट हो गया, ये प्रश्न है। महापुरुषों ने कई भाव दिए हैं। एक मैं अपने हृदय का उद्गार आपको बताना चाहता हूं। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य बताया गया है। जब वन में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया चलते हैं तो आगे आगे रघुनाथ जी चलते हैं, उनके पीछे मेरी मां चलती हैं और मां के पीछे लक्ष्मण भैया चलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी कैसी दिखाई पड़ रही हैं। ओ भय बीच सिया सोहै कैसे, कैसे मानो ब्रह्मा जीव बीच माया जैसे। जिस प्रकार ब्रह्म और जीव के बीच में माया रहती है, उसी प्रकार रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी के बीच में मेरी मां जानकी जी है। राम जी ब्रह्म है, मेरी मां माया है और लक्ष्मण जी जीव है। इसी सिद्धांत के अनुसार महापुरुष लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहते हैं। हम और आप जितने जीव हैं, हम सबके आचार्य कौन है? श्री लक्ष्मण भैया जी। और आचार्य का कार्य जानते हैं क्या है? आचार्य का कार्य है जीव को अपने में न फंसाना। आचार्य का कार्य है जीव को जगदीश से मिला देना। आचार्य का कार्य है विवाह, जो पुरोहित जी, जो पंडित जी विवाह कराते हैं, वो आचार्य का कार्य है। ब्याह होता है ना, पंडित जी भी आवत हैं। जो पंडित जी विवाह संपन्न कराते हैं, वो पंडित जी महाराज न बेटे को जानते हैं, न दूल्हे को, न दुल्हन को जानते हैं। दोनों को नहीं जानते, परंतु दोनों दूल्हा दुल्हन के जीवन में केवल एक रात्रि के लिए आते हैं और आकर के
दोनों को दो से एक बना करके और दोनों के जीवन से सदैव के लिए निकल के चले जाते हैं। ये आचार्य का कार्य है, यही कार्य आचार्य का, सदगुरु का है। हमारे महाराज श्री कहते, बाबू ये आत्मा है, भगवान परमात्मा है, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी होगा जब इन दोनों के बीच में कोई महात्मा आएगा, और वो महात्मा आचार्य है, हमारे सद्गुरु हैं। आचार्य का कार्य ही है कि जीव को जगदीश से मिला देना। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, इस संबंध से मिथिला वासियों के भी आचार्य लक्ष्मण भैया हैं, क्योंकि वो जीव हैं सब। आप दर्शन करिए, जनक जी महाराज ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं, ब्रह्म के चिंतन में रहते हैं। जनक जी महाराज आकार को मिथ्या कहते हैं, जनक जी महाराज निराकार में लीन रहते हैं, साकार नहीं मानते, निराकार को मानते। कौन सी जनक जी महाराज? आकार को झूठ कहने वाले जनक जी जब मेरे सरकार को देखे तो सरकार के आकार को देखते जनक जी निराकार को भुला गए हो, मेरे प्रभु के स्वरूप में अधूरा आ गए जनक जी महाराज। विश्वामित्र जी से कहते हैं, मैंने जीवन में ऐसा रूप नहीं देखा। अरे रूप रे रूप देख के अनूप रूप रही कैसे चुप, अरे रूप रे रूप। श्री जनक जी विश्वामित्र जी से बोले, मुनिवर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कहते नहीं थकते दिन रात, वही परब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके नहीं खड़ा हो गया है। आप सत्य बताइए, ये है कौन? ये सूचना पूरी मिथिला में फैल गई कि दो ऐसे राजकुमार आए हैं कि जिनको देखने के बाद जनक जी की मति हरा गई। अब मिथिलावासी सोचने लगे, कितने सुंदर होंगे वो दोनों, हमारे सौभाग्य में, हमारे भाग्य में क्या उनका दर्शन लिखा हुआ है। बड़े लोग हैं, जनक जी महाराज किसी विशिष्ट अतिथि गृह में उनको स्थान दिए होंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए उसी गृह से वो लोग वापस हो जाए, हम लोग उनको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये कौन सोच रहा है? मिथिलावासी लक्ष्मण जी आचार्य हैं, आचार्य कार्य है जो भगवान को देखना चाहे उसको भगवान का दर्शन करावे। लक्ष्मण जी जब मिथिलावासियों के भाव को मन में स्मरण किए तो सोचे, मैं आचार्य हूं, मिथिलावासी जीव है, यदि मिथिलावासी भगवान के पास नहीं आ सकते तो आचार्य का यही कार्य है कि जीव को जगदीश का दर्शन प्रदान करा दे, मैं ही भगवान को लेकर के उनके बीच में चला जाऊंगा जिससे पूरे मिथिलावासी मेरे प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आज लक्ष्मण जी के मन में मिथिला दर्शन करने का भाव जगा और आपने दर्शन किया, लक्ष्मण जी भगवान को लेकर गए। जिसने जिसने भगवान को देखा मेरे, और जिसकी ओर मेरे प्रभु ने देख लिया, ताहा ताहा परमानंद, जिसको मेरे प्रभु ने देखा उसको मानो परमानंद की प्राप्ति हो गई। भगवान को तो सब देखते हैं, वो कैसा होगा जिसको भगवान देखा करते हैं? सूरदास जी महाराज नित्य श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते थे, किसी ने कहा, आप तो अंधे हैं, आपको दिखाई तो देता नहीं है, क्या करने आ जाते हैं नित्य? सूरदास जी मुस्कुराए, बोले, मैं अंधा हूँ, उनको नहीं देख पाता हूँ, लेकिन जो मंदिर में बैठे हैं वो अंधे नहीं हैं, वो तो जरूर देखते होंगे कि मैं नित्य मंदिर में आता हूँ, ये मेरे लिए बहुत है। मंदिर में जाइए तो इस भाव से जाइए कि परमात्मा आपको देख रहे हैं, भगवान आपको निहार रहे हैं।
नगर भ्रमण करने के बाद संध्या वेला में विश्राम हुआ, जहां पर हमने आपने कलकत्ता को विश्राम दिया था। प्रातः काल उठे लखन कब उठे निसि विगत सुनी अरुण शिखा धुनिका गुरु ते पहिले जगत पति जागे राम सुजान। प्रातः काल रात्रि बीतने के बाद प्रातः काल जब मुर्गे ने बाग लगाई अरुण शिखा धुनिकान। अरुण कहते हैं सूर्योदय के समय जो भगवान सूर्य नारायण का रंग रहता है, वो उस रंग का नाम है अरुण। उस रंग की शिखा चुटिया जिसके सिर पर है, किसके सिर पर होती है? मुर्गे के सिर पर लाल रंग की शिखा होती है। अरुण शिखा धुनिकान यानी मुर्गे की बाग को लक्ष्मण जी रात्रि बीतने के बाद प्रातः काल सुने, उठे, जाकर रघुनाथ जी के चरणों की सेवा किए। तब गुरु जी से पहले जगत पति जागे राम सुजान। प्रभु जगे, प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए हैं। मन में सोचे कि हम गुरुदेव भगवान के साथ शिष्य बन के आए हैं। यहाँ एक बड़ी सूक्ष्म निवेदन मैं आपसे करूं, जगत आपको क्या समझ रहा है जगत को समझने दीजिए, आप अपने को क्या समझ रहे हैं इस पर ध्यान रखिए। यहां रघुनाथ जी सेवक बन के आए हैं, अस्तु राम जी स्वयं समय देखकर कि गुरुदेव को प्रातः बेला में पूजन करते समय पुष्प दल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए राम जी स्वयं जाकर अनुमति मांगे, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम पुष्प दल ले आवे। गुरु जी ने आज्ञा दी और राम जी समय जाने गुर आय सुपाए चले दो भाई प्रसून चले दो भाई भूप बाग पर देखे जा जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए लागे बिटप मनोहर ना नव पल्लव फल सुमन सुहाए नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रुखल जाए चातक को किल किरल चको चातक
गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त करके प्रभु भैया लक्ष्मण जी के साथ श्री जनक जी महाराज के मिथिला में स्थित पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। यहां पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, आप पढ़िएगा, बाघ का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन को यदि जानना है तो उसके घर को देखा करिए। हम कितना भी महंगा डेकोरेशन करा दे, इंटीरियर करा दे, यदि हम विषयी हैं तो हमारा घर बताएगा कि हम विषयी हैं। और घर में कुछ ना हो, झोपड़ी हो, यदि हम भगत हैं तो हमारा घर बताएगा कि हम भगत हैं। हमारी सामग्री हमारी चेतना को प्रदर्शित करती है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जनक जी महाराज की मिथिला में स्थित इस बाग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो इस बाग में बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। जहां बसंत ऋतु रहे लुभाई। आपको स्मरण दिलाऊं, जिस समय श्री रघुनाथ जी पुष्प दल लेने के लिए उस बाग में गए हैं, उस समय बसंत ऋतु नहीं था। वहां पर कौन सी ऋतु थी पता बार हुआ सबके? ये सबसे पूछा था जी, कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु थी। लेकिन जब राम जी गए हैं तो ऐसा लगता है मानो कि इस बाग में आज शरद ऋतु नहीं है, आज इस बाग में बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। उस बाग के पौधे वृक्ष कैसे हैं? बाबा कहते हैं, लागे बिटप। कैसे बिटप हैं? मनोहर नारा। मनोहर कहते हैं जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। एक बार आंखें चली जाएं तो वहां से आंखें हटने का नाम न ले, ऐसे दृश्य को मनोहर कहते हैं। जनक जी के बाग में जितने बिटप हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, सब मनोहर हैं। जहां जाई मन तहई लुभाई। मन को जिधर ले जाइए मन उधर ही लोभित हो जा रहा है। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, किसी भी वृक्ष पर पुराना फल नहीं है, किसी भी पौधे पर पुराना पुष्प नहीं है। नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए। देवराज इंद्र देवलोक में बैठकर जब मिथिला के इस बाग का दर्शन करते हैं तो उनको लज्जा आती है। किस बात की लज्जा आती है? इंद्र को लज्जा आती है कि मेरे अमरावती में इतना दिव्य बाग नहीं है जितना मृत्यु लोक में जनक जी महाराज के पास बाग है। निज संपत्ति सुररूख लजाए। लज्जित होते हैं। आपसे निवेदन करूं, इस बाग में आज पांच पक्षी आए हैं। चातक कोकिला कीरा चकोरा कुजत ग नटत करल मो। चातक पक्षी, कोयल रानी, तोता, चकोर, ये चारों पक्षी तो आपस में बात कर रहे हैं, परंतु पांचवा जो पक्षी है वो बात नहीं कर रहा है। कौन? मोर। मोर नृत्य कर रहे हैं। नटत कलम मोरा। संत महापुरुष भगवान कहते हैं कि ये पांचों जो पक्षी आज इस बाग में आए हैं, ये पांचों भगत हैं भगवान के। जानते हैं कि इस बाग में आज पहली बार प्रभु और मैया का मिलन होने वाला है।
इसलिए भगवान और शक्ति के इस मिलन का दर्शन करने के लिए भगत पक्षी का रूप धारण करके इस बाग में आकर के बैठे हुए हैं। है? राम जी गए, दर्शन किए, बाग के बीच में एक सरोवर है। सरोवर बुझाता ना, सरोवर मने तालाब, जिसकी सीढ़ियां मणियों से सजाई गई हैं। सरोवर के बगल में मां भवानी जी का सुंदर मंदिर है, गिरजा मैया का। बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। दिव्य बाग का दर्शन करके प्रभु गदगद हो गए। जीवन में दिव्य देखने का स्वभाव बनाइए। जिस प्रकार का दृश्य देखिएगा उस प्रकार की चेतना जन्म लेगी। दिव्य का दर्शन करिएगा तो दिव्य भाव प्रकट होगा, निकृष्ट का दर्शन करिएगा तो निकृष्ट भाव जन्म लेगा। इस सुंदर बाग को देखकर भगवान के हृदय में गोस्वामी जी कहते, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। आप सोचिए, जो दृश्य भगवान को सुख देता होगा वो दृश्य कितना पावन होगा। राम जी बाग के दरवाजे पर गए, लगे ढूंढने। किसको ढूंढने लगे? मालियों को। किसी के भी बाग से बिना पूछे फूल फल नहीं उतारना चाहिए। ये बतिया बुझाता? रहुओ सब में ढेर लोग होई जे 5 बजे डलिया लेके निकल जात हुई सवेरे 3 बजे। कई लोग कहता 3 बजे महाराज, 5 बजे तो जोर हो जाता, 2 बजे जे जौना बेरा निकला तो बेरा के बतावा था। भोरे में निकल के जेकरा जेकरा दरवाजा फूल लागल बा सब लोढ़ लिया बा, आ सवेरे जब घर के मालिक उठल फूल गायब अब शुरू भइल बा, आग लागो जे ले गइल बा ओकरा घर। बिना पूछे किसी का भी कोई सामग्री छूना ये चोर वृत्ति कहलाती है। बड़े बड़े घर के लोग को मैंने देखा है भैया, गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, जाड़ के समय में जनवरी फरवरी में जो बड़ा छीमी खिलल होके मटर खेत में, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ा करके पूरा परिवार खेत में टूट पड़ा है, बढ़िया बढ़िया नोच जल्दी नोच ले चल गाड़ी में। राम जी तोड़े नहीं, ढूंढने लगे मालियों को। माली आए, राम जी बोले, हमको गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प दल चाहिए, अनुमति है? माली बोले, पढ़े लिखे हैं आप लोग? लक्ष्मण जी बोले, क्या बोलना चाहते हैं? मालियों ने कहा, गेट पर ऊपर साइन बोर्ड लगा है, पढ़िए क्या लिखा है इसमें। लक्ष्मण जी पढ़े तो उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखल रहे? जनाना जना तरुआ सबके, जनाना मने हाँ? अरे बोली मुंह से डरा तो निका कि हाथ दिखाओ तनी। जनाना मने महिला। अच्छा, अजनानी मने? जनानी मने एक जगह कथा में एक लोग बोले, महाराज जनाना मने पुरुष, जनानी मने महिला। हम बोले, इसका मतलब आप जनाना है? बोले, नहीं हम जनाना नहीं है महाराज, जनाना जनानी दोनों का मतलब है स्त्री। लक्ष्मण जी बोले, जनाना बाग। माली बोले, जनाना जना तरुआ। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल
कैसे तुरा बरवा फूल धनुष धारे दे कैसे तुरा बरवा कैसे तुरा बरवा फूल धनुष धारे राजा जी के बगिया के माली मलिनिया राजा जी के बगिया के माली मलिनिया बिनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे कैसे तुरा बरौआ बिनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे कैसे तुरा बरौआ कैसे तोरा बरौआ फूल धनुष धारी जे कैसे तोरा बरौआ धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी धनी राउर माई बाप धनी 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 खानदान धनी धनी खानदान धनी फूल धनुष धारे जे कैसे तुरा बरौआ धनी खानदान धनी फूल धनुष धारे जे कैसे तुरा फूल धनुष धारे दे कैसे तोरा बरौआ सांवर गोर दोनों जोड़िया निहारी के 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 मनवा में होला हूल चूल धनुष धारे जे कैसे तुरा बरौआ मनवा में होला हूल चूल धनुष धारे जे कैसे तुरा बरौआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ माली बोले कि कैसे तुड़ब रहुआ फुलवा राम जी बोले हाथ से फूल के पखुरियों से कोमल अंगुरिया 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 तारावा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ कैसे तोरा बरौआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ लेकिन ये बताई राम जी रौआ यही बेरा कहे नहीं हम हमरा कुछ दाल में काला बुझाता सही सही बताई रउआ फूल लेब ऐन की किशोरी जी के देखे खातिर फूल लेब ऐन की किशोरी जी के देखे खातिर फूल लेब ऐन की किशोरी जी के देखे खातिर फूल लेब ऐन की किशोरी जी के देखे खातिर करी ईमानदारी से कबूल धनुष धारे जे बक्सर के प्रातः स्मरणीय पूज्य
श्री नारायण दास जी भक्तमाली पूज्य मामा जी की रचना है। मामा जी सीता मैया को अपनी बहन मानते थे, सीता जी हम लोग की माँ है, इसलिए पूरा जगत उनको मामा जी कहने लगा। मामा जी कहते हैं, मिथिले में बसी करे बिनती नारायण दास, मिथिले में बसी करे बिनती नारायण दास, मिथिले में रही कहे बिनती नारायण दास, मिथिले में रही करे बिनती नारायण दास, बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे फूल धनुष धारी जे कैसे तू रब रुआ कैसे तू रब रुआ फूल धनुष धारी जे कैसे तू रब रुआ कैसे तू रब रुआ फूल धनुष धारी जे कैसे तू रब रुआ कैसे तू रब रुआ फूल धनुष धारी जे अरे कैसे तुड़ब रहुआ फूल है रहुआ सबके देखी ई है हमारा बुझात बा, रहुआ सबके देखी ई है हमारा बुझात बा, अरे मिथिला के भाग गईले खूल धनुष धारी जे कैसे तू रब रहुआ फूल। माली दरवाजे पे खड़े हो गए, कहे हम जाने नहीं देंगे, हम सुने हैं कि आपके भैया के पांव में जादू है, पीछे किसी पत्थर पे पांव रखे थे, पत्थर स्त्री बन के उड़ गया, क्या गारंटी है यदि पांव में जादू है तो हाथ में जादू नहीं होगा, यदि राम जी हाथ से पेड़ पौधा छूते गए और सारे पेड़ पौधे उड़ते गए तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे। लक्ष्मण जी बोले, रजिस्टर मेंटेन किए हैं आप लोग, कितना चंपा बा, कितना गेंदा बा, कितना चमेली बा, कितना गुलाब बा, बोले सब मेंटेन बा। लक्ष्मण जी बोले, हम गारंटी लेते हैं आपका एक भी पौधा कम नहीं होगा। अब बोलिए, माली बोले, एक और खतरा है, बुरा बुरा ना मानिएगा लक्ष्मण जी, आप भले गोर हैं लेकिन जितना सुंदर आपके भैया सांवर होके है ना उतना आप गोर होके नहीं है सुंदर। हम लोग को थोड़ा डाउट है, क्या डाउट है, यदि राम जी इस रूप को लेकर बाग के भीतर गए तो ये सिर से पांव तक फूल दिखाई पड़ रहे हैं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज कहते कमल को, आंख देखिए कमल जैसा, चेहरा कमल जैसा, हाथ कमल जैसा, पांव कमल जैसा, लग रहा है मानो कमल के गुलदस्ता हो। यदि भैया आपके बाग के भीतर गए तो बाग में जितने भौरे फूलों पर घूम रहे हैं वो सारे भौरे डाउट में आ जाएंगे कि असली फूल कौन है। हमको लगता है तजी तजी सुमना मधुप मतवारे, तजी तजी सुमना मधुप मतवारे, सारे भौरे आपके भैया के मुख पंकज पर मड रहे हैं, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच हम जान न दें है, राम जी बिनती सुनो।
माली बोले सारे भौरे आपके भैया के चेहरे पर टूट पड़ेंगे, तब क्या होगा? लक्ष्मण जी बोले हमने के हीट स्प्रे ले आई बने जा, मार दिहल जाई, केहू ना आई, हमारी समस्या हम झेल लेंगे, जाने दीजिए। माली बोले एक उपाय है भीतर जाने का। राम जी बोले क्या उपाय है भैया? माली बोले आप दोनों भाई जोर से एकदम, जब बोलहुगे सियाजू की जय, जब बोलहुगे अरे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रबसिन पई है। राम जी जब आप दोनों भैया मिलकर जोर से हमारी किशोरी जी का जयकारा लगाएंगे तब आपका एंट्री पास बनेगा। राम जी बोले लगाएंगे भैया। माली बोले दम जोर से लगावे के बा, धीरे निखे लगाओ के जोर से लगाओ के बा। राम जी बोले लगा दी हल जाई, पूरा दम लगा के लगा दी हल जाई। माली बोले बोली सब है, बोलिए किशोरी मैया की जय। अरे वह सब दम ना लगनी है, कौ हाली फेर से हुई फेन से यो शब्द बिहार में मिली फेन। अब बिहार के बहुत अद्भुत शब्द है ए थी, जहां कुछ ना याद हो जाए थी लगा दीजिए। ऐसा अद्भुत शब्द है कहने वाला भी समझ जाता है। भैया हमारे बताते हैं कि एक जगह रामलीला चल रही थी तो विभीषण जी का रोल था, तो उनसे कहा गया था कि बोलना है कि प्रभु रावण के नाभि में अमृत है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा वो मरेगा नहीं। विभीषण जी डेले को भुला गए, अमृत भुला गए। अब राम जी को बोल रहे प्रभु रावण के नाभि में उथू है, नाभि में उथू है प्रभु। अब राम जी सोचे उथू उथू काहे कहने लगा। हाँ भाई समझ रहा हूं तुम कहना चाहते हो रावण के नाभि में अमृत है, अभी निकालता हूं। तब फिर से एक बार बोलिए किशोरी मैया की जय। भाई बात राम जी लक्ष्मण जी जोर से जयकारा बोले। माली मुस्कुराने लगे, कहे प्रभु हम होते कौन है आपको रोकने वाले, हम तो जान बूझ कर कर आके आगे खड़े हो गए थे, सोचे रोकने के बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य मिल जाएगा और दो शब्द आपसे बतियाने का अवसर मिल जाएगा, प्रभु हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए हम आके खड़े हो गए थे। आइए आइए राम जी आइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए। रुक दो। राम जी गए चारों तरफ देख करके और भगवान प्रसन्न मन से लगे लेन दल फूल मुदित मन। यहाँ राम जी की विशेषता बताऊं, मेरे भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो प्रसन्न मन से करते हैं। क्यों? प्रसन्न मन से किए हुए कार्य का परिणाम शत प्रतिशत प्राप्त होता है, और जिस कार्य को हम रो रो के करते हैं, आप कितना भी साधन जमा कर लीजिए, आपका परिणाम उसका शत प्रतिशत मिलने वाला नहीं है। भगवान मुदित मन से पुष्प दल उतारने लगे। उसी समय मेरी किशोरी मैया वहां पर आई। क्या करने आई? पार्वती मैया की पूजा करने आई। और आपको बताऊं सीता जी आई नहीं है, सीता जी भेजी गई हैं। किसने भेजा है? किसने भेजा? सीता मैया की माता जी ने भेजा है।
ये माता पिता का कार्य है, कर्तव्य है कि वो अपनी संतान को बचपन से भगवान में लगावे। जो माता पिता बचपन से अपनी संतति को भगवान से नहीं जोड़ते हैं, वही बुढ़ापे में रोते हैं, महाराज हमारा लड़का भगवान को नहीं मानता, कैसे मानेगा। बूढ़ तोता नहीं पढ़त है हो, बच्चों को बचपन से भगवान से जोड़ के रखिए। यदि आपका संतान, आपकी संतान सब कुछ बन गई, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, बहुत बड़ा व्यापारी बन जाए, सब कुछ बन जाए, यदि भगवान का भक्त नहीं बन पाया तो सब बनना व्यर्थ है उसका, सब व्यर्थ है। यहां सीता मैया को उनकी मां सुनैना जी ने गिरिजा पूजन जननी पठाई। सखियों के साथ मेरी माँ आई, आकर माँ ने सरोवर में स्नान किया है, स्नान करके पार्वती जी के मंदिर में जाकर पूजन प्रारंभ करती हैं। अनुराग के साथ मैया ने पूजन किया, पूजा कीन अधिक अनुरागा। भगवान की पूजा करिए तो अनुराग के साथ करिए, प्रेम के साथ करिए, भाव के साथ करिए। भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या क्या चढ़ा रहे हैं, भगवान ये देखते हैं कि आप कैसे चढ़ा रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि हम बहुत महंगा महंगा सामान चढ़ा देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को क्या सामान की कमी है का? भगवान को सामान की कमी है? भगवान दुर्योधन का 56 भोग छोड़ करके अब विदुर जी के घर में केले का छिलका खाने के लिए चले गए थे। क्यों? विदुर जी के घर में जो भाव था वो भाव दुर्योधन के घर में नहीं था। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान सामान के भूखे नहीं हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है जब पूजन करिए तो भगवान को भाव अर्पित करिए, सामान की आवश्यकता नहीं है भगवान को। हमारे बाबा चांदी चढ़ाने पर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता, लेकिन भाव से यदि एक लोटा जल चढ़ा दिया तो बाबा गदगद हो जाएंगे, उसी में गदगद हो जाएंगे। मेरी माँ ने पूजन किया, यहाँ अधिक सामान नहीं लिखा, पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरमाना। अधिक अनुराग के साथ मेरी माँ ने पूजन किया है और मेरे अपने लिए एक सुंदर वर की याचना की। माँ की पूजा चल ही रही थी कि सीता मैया की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। जैसे आप इतने सारे लोग कथा में आए हैं, 10-12 लोग आए और उसमें से कोई चतुर आदमी आपको पंडाल में बैठा के अजा के अकेले बाजार में पकौड़ी खाए, होते कई लोग ऐसे होते हैं, अभी 2 मिनट में आते बैठी रहूंगा अजा के अकेले ले रहे हैं है? एक सखी सी असंग बिहाई गई रही देखन फुलवारी। घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया, बावली हो गई, हो पगला गई, पागल की अवस्था में दौड़कर मंदिर में आई, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है। बाकी सखियां देखी उसके पांव इधर उधर लड़खड़ा रहे हैं। सखियों ने पूछा, अरे तुमने क्या देख लिया आज, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई है? अरे झूमत आवे लुहा सात, कैसे आई थी झूमते हुए? अरे झूमत आवे लुहा सात, अखुशी रुकले नाही रुकात बात, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बात, कहू रे सहेलिया आज नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासा, झूमत आवे लुहासा,
रुकले नाही रुकात बा, कहूँ ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहूँ ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। सखिया पूछी तूने क्या देख लिया कि तुम्हारी ये दशा हो गई। वो बोली कैसे बताऊं, नजरी से देखले बानी कैसे हम बताएं। फिर चलो रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाएं, नजरी से देखले बानी कैसे हम बताएं, चलो रे सहेलिया तोहके अखिए से ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला देखी गुलाबो मन लजात बा, कहूँ रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहूँ ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला देखी गुलाबो मन लजात बा, कहूँ ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहूँ ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, पूछती तूने क्या देख लिया। कहती है कल दोनों जो नगर में आए थे वो दोनों आज बगीचा में आए हैं। एक सखी पूछी फूल लेबे आइल बड़न, का फूल लेबे आइल बलो, बोले ना ना। अरे देखन बाग कुंवर दुआए, दोनों कुंवर बगीचा देखने के लिए आए हैं। एक सखी बोली कैसे दिखाई दे रहे हैं, बोली ये नहीं बताऊंगी। काहे नजरी से देखले बानी आ कैसे हम बताएं, काहे देखले बिया आँख बतावे के बा मुंह के जिहवा के, देखा है आँखों ने जिस आँख ने देखा है उसके पास जिहवा नहीं है कि वो बोल सके, जो जिहवा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो, देखे कोई और बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या। मैं तो कहती हूँ जिस आंख से मैंने देखा है चलो उसी आंख से तुमको भी दर्शन करा देती हूँ, इसी बाग में है दोनों। मेरी सीता मैया सुनी तो भाव में आ गई और उस सखी को आगे आगे करके मेरी माँ उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जाकर एक लता की ओट में आकर उस सखी ने मेरी माँ को भगवान का दर्शन कराया, और जैसे मैया ने भगवान का दर्शन किया, बाबा कहते हैं देखी रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि परिचारे, मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया है। यहां किशोरी मैया ने अपने नेत्रों को बंद करके भगवान के स्वरूप को हृदय में पधरा करके मां ने खूब निहारा भगवान को। किसी भी मंदिर में जाइए शशि बाबू तो प्रयास करिए कि भगवान हृदय में छप जाए, इतना निहार लीजिए कि आंख बंद करने पर भगवाने दिखाई पड़े। यदि इस प्रकार आपने देख लिया ना तो घर आने के बाद भी जब आंख बंद करेंगे तो मंदिर वाले भगवान आपको अपने घर में भी दिखाई देने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि वो छप चुके हैं। मां ने खूब निहारा नेत्र बंद करके। थोड़ी देर बाद
जो सखी भगवान को देख कर गई थी, उस सखी ने कहा चला जाए चला जाए, बहुत विलंब हो रहा है, क्यों पुनी आओ बेही बेरी आ काली, कल फिर इसी समय आना है, अरे जाना है तो चुपचाप चली जाओ, ये कह बता रही हूं कल फिर आना है। वो कह रही थी सीता जी को कि चलो चलो कल फिर इसी समय आना है, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि प्रभु हम लोग कल इसी टाइम आने वाले हैं, तो अपना भी आप टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और आप पुनः कल आइएगा पुष्प दल लेने, तो हम लोग फिर से आपका दर्शन प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर इशारा करके गई। इधर भगवान लाल लाल फूल लेके पहुंचे गुरुदेव भगवान के पास। सीता मैया दौड़ कर गई कहां, पार्वती मैया के मंदिर में। यहां दर्शन करिए, पूजन हो चुका था, केवल स्तुति बाकी थी। यहां गोस्वामी जी जो चौपाइया लिखे हैं, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वभावसिहारिणी। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी माँ पार्वती जी के पास जाकर लगी स्तुति करने उनकी, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति जी की, कार्तिकेय जी की अंबा आपकी जय जयकार हो। यहां बगल में भुलुनी भवानी मैया है ना, भुलुनी भवानी यही नाम है। पार्वती मैया के मंदिर में जाकर सीता जी बोली है, अरे लाले ला हर दरवा ओ हरवा, लाले बाबस्तरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, लाले लहर दरवा ओ हरवा, लाले बाबस्तरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, लाले लहर तरवा ओ हरवा, लाले बाबस तरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, लाले बा संतरवायौरी अढ़ौल आनरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, लाले बा संतरवायौरी अढ़ौल आनरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, मैया के खड़गा खपरवा हो, राम की लाले हो के खड़ा खपरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, अरे मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, गरवा के हरवा माई के मुकुट लीला रवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, गरवा के हरवा माई के मुकुट लीला रवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, मैया
मैया के करावा पयरवा हो रंगी लाल हो रंगवाना मैया के करावा पयरवा हो रंगी लाल हो रंगवाना मैया के सोरा हो सिंगरवा हो रंगी लाल हो रंगवाना पर छातरवा माई के जग सृजन हरवा हो रंगी लाल हो रंगवाना सिर पर छातरवा माई के जग सृजन हरवा हो रंगी लाल हो रंगवाना गई तरी मंतरवा के अथरवा हो रंगी लाल हो रंगवाना अच्छा रवा हो रंगी लाले हो रंगवाना लाले ला हर दरवा हरवा लाले बाबा सरवा हो रंगी लाले हो रंगवाना लाले ला हर दरवा हरवा लाले बाबा सरवा हो रंगी लाले हो रंगवाना मैया के सोरा हो सिंगरवा हो रंगी लाल हो रंगवाना मैया के सोरा हो सिंगरवा हो रंगी लाल हो रंगवाना मैया के सोरा हो सिंगरवा हो रंगी लाल हो रंगवाना मैया के सोरा हो सिंगरवा हो रंगी लाल हो रंगवाना अरे मैया के सोरा हो सिंगरवा हो रंगी लाल हो रंगवाना सीता मैया ने जाकर माँ पार्वती की खूब स्तुति की और कहा माँ आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं आप बर देने वाली हैं माँ आप सबके हृदय के भीतर रहती हैं इसलिए आप हृदय की बात ठीक से जानती हैं माँ आप मेरे भी मन के भीतर हैं हृदय में हैं इसलिए आप सीता के मन की बात को ठीक से जान रही हैं माँ आप जान रही हैं इसीलिए आज सीता आपसे कहेगी नहीं आप जो जानती हैं उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए माँ इतना कह के सीता मैया पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गए अस कही चरण गहे और यहां दर्शन करिए सीता मैया के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी कई लोग कहते हैं धनंजय बाबू कहीं मूर्तियों मुस्कुरात है का मूर्ति मुस्कुराती है देखना कौन चाहता है हो है? भगवान के मुस्कुराने में कोई कमी नहीं है कमी है तो हमारी दृष्टि में कमी है हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं इनकी करुणा में कोई कमी है नहीं पात्रता में हमारे कमी रहेगी इनकी ममता में कोई कमी है नहीं सौम्यता में हमारे कमी रहेगी प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमसे प्रभु कौन सूर्य नारायण प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमसे प्रभु फिर भी उनको न हमने निहारा अरे रवि के उगने में कोई कमी है नहीं
रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। जैसे सीता मैया पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठी, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माँ सीता के विनय के प्रेम के बस में हो गई पार्वती। और पूजन के समय जो सीता जी ने माला पहनाया था, वो पार्वती मैया के गले से माला खिसक गई। आप किसी मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते समय माला पहनाएं, और माला पहनाने के थोड़ी देर बाद वो माला यदि नीचे गिर गई तो उस माला को दोबारा ना पहनाइए। इसका क्या मतलब है महाराज? इसका अर्थ है कि भगवान ने आपको प्रसाद अर्पित किया है, उस प्रसाद को उठा के सिर पे धारण करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई आज। ये संकेत है। जीव का करता है, एक बार माला गिरा, डोरी से बांध गिरा के दिखावो। कई लोग भगवान को मुकुट लगाते हैं, मुकुट गिर जाता है कभी कभी बार बार। इसका क्या मतलब? आज भगवान मुकुट नहीं पहनना चाहते, आदमी गोंद से चिपका देता है, अब गिरा के दिखावो। सही बोल रहे हैं हम, देखे इसलिए बोल रहे हैं। अरे एक मंदिर में तो मैं गया, भगवान के सामने नाना प्रकार का फल रखा हुआ है, संतरा अनार केला अंगूर अमरूद, लेकिन सब प्लास्टिक के। मंदिर की बात बता रहा हूं, मंदिर में प्लास्टिक का नकली फल रखा हुआ था भगवान के आगे। मैंने भगवानों से धोखाधड़ी, भगवान तो बोलेंगे नहीं, कहा प्लास्टिक के चढ़ेले बड़ा। और यदि भगवान हम लोग को प्लास्टिक का देना शुरू कर दे तो पेमेंट लेकर आप घरे आए, घरे आकर देखे नोट तो कागज का नहीं प्लास्टिक का निकल गया, चूरन वाला चिल्ड्रेन्स बैंक ऑफ इंडिया का नोट निकल गया। तहिया का हुई, भगवान के साथ ये सब न किया करिए। माला गिरी, नीचे सीता मैया है, पार्वती जी के गले से माला खिसक के सीता जी के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, ये आशीर्वाद मिला मैया का। और पार्वती जी ने कहा, सीता जी मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, मनुजा ही राचे उमिली ही सोबर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिया सही तहिया हर पार्वती कहती हैं सीता मैया से, सीता जी आपके मन में जो रचे बसे हैं
वही आपको प्राप्त होंगे। कौन? सहज सुंदर सांवर। जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। वो सांवले वाले हैं कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार हैं, सुजान सज्जन हैं, शील शीलवान हैं, स्नेह जानत राव। वो रघुनाथ जी सीता जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं, स्नेह जानत। कई लोग इसी में परेशान रहते कि हम भगवान को प्रेम करते तो भगवान जानते हैं कि नहीं जानते हैं। भगवान एक है जो ठीक से जानते हैं। हम भगवान को प्रेम करते तो क्या भगवान हमको प्रेम करेंगे? है भगवान सबको उतना ही प्रेम करते हैं जो जितना भगवान को प्रेम करता है। अब आपन आपन देखिए आप कितना करते हैं। असंभव है कि आप भगवान को प्रेम करें भगवान आपको प्रेम न करे। कौन कहता है कि दीदार, दीदार समझते हैं दर्शन, नहीं होता है। कौन कहता है हम इन्हें प्यार करें और ये न हमें प्यार करें। बेखबर इतना, बेखबर इतना तू करतार नहीं होता है। कौन कहता है सिद्धांत इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। इनको पाना है प्रहलाद बनो तुम पहले। यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं हो। सब जानते हैं प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। सीता मैया को आशीर्वाद मिला और सीता जी तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मनोकामना पूरी भई तो दर्शन करिए। सीता जी पूजा कर चुकी थी, केवल स्तुति बाकी थी, लेकिन जब मनोकामना पूरी भई तो मां ने उसी समय कई बार पूजन किया। तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि, ये कथा कहती है मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा और बढ़ा दीजिए, बंद ना करिए। कई लोग एकादशी बैठावे खातिर बहुत परेशान रहते हैं, महाराज कहिया बैठा दे एकादशी। भोजन बैठाने के लिए कोई नहीं पूछता है, एकादशी कहाँ बैठा देंगे हो। जब तक शरीर में सामर्थ्य है एकादशी का व्रत करते रहिए, और कोई व्रत करिए चाहे मत करिए एकादशी का व्रत अवश्य करिए। जो मनुष्य 108 एकादशी का व्रत कर लेता है उस मनुष्य को यमराज के दूत छू नहीं सकते हैं। उस मनुष्य के लिए भगवान के पार्षद आते हैं विमान लेकर भगवान के धाम ले जाने के लिए। 108 एकादशी जिसने जीवन में व्रत कर लिए, इसलिए एकादशी न बैठाइए, एकादशी का व्रत करिए। महीने में 2 बार पढ़ना है। महाराज अनहरिया के भूखी की अजोरिया के दोनों भूखी है। हाँ एहू में समस्या लोग बांध के बैठे हैं, महाराज अनहरिया के ना अजोरिया के, कहे अनहरिया के ना है?
दोनों एकादशी रहिए। हमारे गुरु जी तो कहते 11 बार खाइए लेकिन एकादशी रहिए, 11 बार खाइए लेकिन एकादशी रहिए, अन्न न खाइए, विशेष करके चावल को तो छूना भी मना है। एकादशी के दिन तिलक करके चावल नहीं लगाया जाता, स्पर्श में भी दोष है, खाना तो बहुत दूर की बात। एकादशी व्रत रहिए है। मेरी माँ बारंबार पूजन करके पार्वती जी की घर गई। इधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गुरुदेव के पास आए, पूजन हुआ और पूजन के बाद राम जी ने गुरु जी से सब बताया। गुरुदेव बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी मिली थी। गुरुदेव ने नेत्र बंद करके देखा, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है। मन ही मन कहे राम, यदि वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भए सुखारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भए सुखारे। करी भोजन मुनि पर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी, करी भोजन मुनि पर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। आशीर्वाद मिला, भोजन हुआ, दोपहर में विश्राम, संध्या बयारू आरती, रात्रि में विश्राम। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। प्रातः क्रिया से प्रभु निवृत्त हुए। जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेज करके श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी आदि मुनियों को आदर पूर्वक रंग भूमि में बुलवाया है। भगवान के आने की सूचना मिली तो पूरी मिथिला रंग भूमि में दौड़ पड़ी। जनक जी महाराज ने सबके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था बनाई है। जैसे मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी रंग भूमि में आए, राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया है। ज्ञानियों को राम जी परम तत्व दिखने लगे, भक्तों को भगवान दिखने लगे, असुरों को उनका काल दिखने लगे, वीर राजाओं को राम जी परम वीर योद्धा दिखने लगे, मिथिला के नर नारियों को रिश्तेदार दिखने लगे, जनक जी सुनैना जी को अपन लड़का दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी बोले, किसके किसके बारे में लिखूं, यही विधि रहा जा ही जस भाव तू तेही तस देखहु कोसल राहु। भगवान विश्वामित्र जी के साथ आए, जनक जी महाराज ने पूरे रंग भूमि का दर्शन कराया। विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की और उसके बाद सब मंचन ते मंचैक सुंदर बिसद बिसार मुनि मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपार। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी को जनक जी ने स्थान दिया। अगल बगल छोटे छोटे आसन पर एक तरफ प्रभु श्री राम जी और दूसरी तरफ लक्ष्मण भैया विराजमान हुए। अब जनक जी महाराज ने सीता मैया के सखियों को आदेश दिया कि रंग भूमि में सीता जी को लेके आया जाए। मेरी माँ के साथ अष्ट सखियां हैं, सीता मैया के हाथ में जयमाल है, सखियां मधुर गीत गा रही हैं। अरे सुंदर सलोनी प्यारी, यहां मिथिला का कोई बैठा है, मिथिला क्षेत्र का भैया है, और केहू है ने पंडाल में, बाबूजी हैं हाँ, और क्यों नहीं है, अच्छा इधर इधर बहन जी बैठी है, उधर वो है बाबूजी। अरे सुंदर सलोनी प्यारी, अरे मिथिला दुलारी है सियाजू मोरी, सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है सियाजू।
स्वामी जी कहने लगे कि आज सीता जी के स्वरूप की तुलना मैं किसके साथ करूं, के ही पटतरो विदेह कुमारी, सब उपमा कभी रहे जुठारी। यदि मैं ये कहूं कि सीता जी लक्ष्मी जी इतनी सुंदर है, ये उचित नहीं होगा। लक्ष्मी जी का भाई विष है। अगर कहूं पार्वती जी इतनी सुंदर है, ये भी ठीक नहीं होगा। पार्वती जी का केवल आधा शरीर है, है? सरस्वती जी इतनी सुंदर है क्या? नहीं नहीं, सरस्वती जी तो मुखर है, बहुत बोलती है। कामदेव की पत्नी रति इतनी सुंदर है, अरे क्या कहते हैं, रति तो अपने पति के वियोग में दिन रात रोती रहती है। गोस्वामी जी को उपमा नहीं मिल रहा है। उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे सिया जोई, उमा मेरी माँ रंग भूमि में आई, जितने नर नारी थे सब माँ के अलौकिक रूप का दर्शन करके मोहित हो गए। सीता मैया जाकर अपनी माँ सुनैना जी के पास में खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा में उपस्थित होकर आए हुए समस्त राजाओं के मध्य मेरे प्रण को सुनाया जाए। जनक जी महाराज के बंदी जन बीस सभा में जाकर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बाया सुनहु सकल मही पार, पन विदेह कर कहाँ हमार भुजा उठाए। बंदी जनों ने विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, हे दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, यदि आप सबके हाथों का बल, आपके भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है तो प्रसन्न मत होइएगा। शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा, राहु है ये। ध्यान से देखिए, यह वही पिनाक है जिसको आज तक रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में फैली हुई है। ध्यान से सुनिएगा, आज एकत्रित हुए आप समस्त राजाओं में से जो भी राजा महाराजा इस धनुष को उठा करके, उसको झुका करके, उसकी प्रतंचा चढ़ा करके और इस धनुष को खंडित करेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति बढ़ेगी, उसकी जय जयकार होगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी, यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे जनक जी का प्रण सुनाया, एक साथ सैकड़ों राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, इतने राजा क्यों खड़े हो गए, सब बैठिए, सब बैठिए, बारी बारी सबको अवसर मिलेगा। सारे राजा बैठे, सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे, बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे आदेश मिला राजा को, राजा पहला काम किए परिकर बांधी उठे बुलाई, आपन पहले धोती ठीक किए, कहीं ढेर बल लगैला में खुली ना जाओ, मुकुट सम किए,
जाने के पहले थोड़ा व्यायाम किए, जाने के पहले अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले प्रभु जा रहा हूँ, कृपा करिएगा प्रभु हमरे से टूट जाए। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमरा से टूट जाओ, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से प्रभु बचैहा एकरा से मत टूटे प्रभु। अब कहां एक राजा, कहां 9,999 राजाओं की प्रार्थना। गोस्वामी जी कहते राजा तमतमा के खड़े हो जाते, तमकी ताक जाते हैं, करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं बैठकर घसीटकर लेटकर, परंतु धनुष स्थान से तिल मात्र नहीं खिसकता। अंत में धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है व्यायाम करते, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा से हिला भी नहीं था वो राजा मन ही मन सोच रहे हैं, हाँ जा 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 उठाइब तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। एक राजा की बारी आई, राजा खड़े भए और अपने स्थान से धनुष को देख करके प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा तुम तोड़ने नहीं गए, वीर नहीं हो क्या? उस राजा ने कहा मैं परम वीर हूं। कैसे वीर हो, तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं धनुष तोड़ने के लिए यहां नहीं आया हूं। क्यों? जिनका विवाह होने वाला है उन्होंने भूमि से जन्म लिया है, वो भूमि जा हैं और हम भूपति हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई हैं, हम बिटिया से यहां विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं। इसलिए ज्ञानी विवेकी राजा गए ही नहीं। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने मीटिंग की। मीटिंग में क्या निकला, मिल के तोड़ दिया जाए, सब राजा एक साथ मिल के तोड़ दे। इतना बढ़िया फॉर्मूला है भैया, कुछ भी तोड़ना हो सब एक साथ जमा हो जाओ। बोले मिल के तोड़ देंगे। एक ने कहा मिल के तोड़ दीजिएगा तो ब्याह केकरा संगे होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, उसके बाद निर्णय कर लिया जाएगा केकरा से ब्याह हुई। हाँ। एक राजा ने कहा नहीं नहीं टूट दिया जाए और तोड़ने के बाद हम लोग आपस में लड़ लेंगे, जो विजेता बनेगा वही विवाह करेगा, कहीं बाद में लड़ा जाता कहीं पहले ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तोड़ने के पहले हम हाथ लगाए तो हम हाथ लगाए। वो स्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए। कितने राजा? 10,000। जोर से कहिए 10,000। भूप सहस दस ए कहे पारा, भूप सहस दस ए कहे पारा, लगे उठावन करे नटा। दस हजार राजा एक साथ प्रयास किए परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसका। सारे राजा उपहास के पात्र बन गए, धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके सारे राजा अपने अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके बैठ गए। जनक जी महाराज ये दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाए, खड़े होकर क्रोध में बोले जनक जी दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप राजाओं में से कोई भी राजा ये बोल नहीं सकता है कि मैंने उनको बुलाया है यहां पर, आप सभी राजा महाराजा मेरा प्रण सुन सुन के आए हैं। कौन नहीं आया है आप में? देवता आए हैं वेश बदल के, दानव आए हैं, नाग आए हैं, मनुष्य आए हैं, मुनि लोग आए हैं। क्या कह रहे थे अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए, तोड़ना तो दूर,
आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है, सामने पड़ा है धनुष। मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो अपने जीवन में इस कीर्ति का वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद यहां जितने राजा हैं, कोई भी राजा ये माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया आज की धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो, अब क्या करने बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए और अपने घर वापस जाइए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी घर में कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर अब एक भी वीर नहीं बचा है, भरी सभा में कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जनक जी महाराज ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई भी वीर नहीं बोलेगा, ऐ लक्ष्मण जी का पूरा शरीर तमतमा गया। वीर क्यों नहीं बोलेगा, रघुवंशी के होते कौन वीर नहीं बोलेगा। पूरा शरीर क्रोधाग्नि में भड़क उठा। लेकिन थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी अपने क्रोध को शांत किए। क्यों? भैया हैं, गुरु जी हैं, बड़े लोग हैं, ये लोग अवश्य उत्तर देंगे इसका। अभी किसी तरह क्रोध शांत ही हुआ था, तब तक मानो बुझती हुई अग्नि में किसी ने घी छोड़ दिया हो। जनक जी दूसरी बार ललकार दिए, जाओ जनते हूं बिनु भट भूमि भाई, आओ पन कर होते हूं ना हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र नहीं बनता मैं। जब दूसरी बार जनक जी ने वीरत्व को ललकार दिया, गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण भैया माखई लखन है, कुटिल भाई भाव है, रदपट फड़फड़ाने लगे, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार की वर्षा होने लगी, भामहें टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी तमतम आ गए, खड़े हुए, रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, भैया रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां बैठा हो, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं है कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा, आपके रहते आप विद्यमान है। और जनक ने कह दिया, धरती पर कोई वीर नहीं है। कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहौ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहौ स्वभाव न कछु अभिमानु, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमिदारो भोरी, काचे घट जिमिदारो भोरी, मैं सकौ मेरु मूलक जिन तोरे, सकौ मेरु मूलक जिन तोरे, तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कमल नाल जिमिताप चढ़ावो, कमल नाल जिमिताप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोरा छत्र कदंद जिमी, तो प्रताप जो न करो प्रभु पद सपथ, कर न धनो धनो। लक्ष्मण जी की गर्जना हुई, लक्ष्मण जी बोले, भैया आप बैठे हैं और आपके रहते जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं रहा। जनक ने कहा, कोई धनुष तो उठा नहीं पाया, आप आज्ञा करिए। धनुष क्या होता है, जिस प्रकार बच्चे गेंद उठा लेते हैं, मैं सबके सामने हाथों में ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं सबके सामने ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से
रहिए, सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा, बरसात में होगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंद देते हैं, रौंद दूंगा, उठाऊंगा धनुष को उठाकर सौ जोधन तक दौड़ कर दिखाऊंगा, और यदि प्रभु नहीं कर पाया आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण जीवन में दोबारा कभी अपने हाथ में इस धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गर्जे मिथिला में, धरती की गति देखिए, लखना सको बचन जे बोले टगमगाई मई ते गज डोले, टगमगाई मई ते गज डोले, टगमगाई मई ते गज डोले। लक्ष्मण जी गर्जे कहे, प्रभु जिस प्रकार बरसात में उगे छत्र को बच्चे रौंद देते हैं, रौंद दूंगा, कमल की नाल को कमल के डंठल को बच्चे जैसे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा, पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा, फोड़ दूंगा। लक्ष्मण जी गर्जे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन हिलने लगा, राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए, अरे राम अभी छोटका खड़ा भइल बा तो सब कांपे लागल, बड़का बैठल बा। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने, मन ही मन बोले, बाह चेला का लल कर ले बाए बेरा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, कहते भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, छोटके तैयार भा तोड़े खातिर, लेकिन आप दर्शन करिए, लक्ष्मण जी सब बोले तोड़ दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, उठाकर सौ जोजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा, सब करूंगा प्रभु, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, आपके बल के भरोसे करूंगा, इतना विवेक है लक्ष्मण जी को। धनुष के पास जाकर हाथ बढ़ा दिए हैं, कहते भैया कहिए कि तोड़ दी। विश्वामित्र जी राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत देवो, तुरंत बुलाओ वापस उसको। राम जी लक्ष्मण जी को देखे, मुंह से नहीं बोले, लक्ष्मण जी राम जी को ही देख रहे थे, भगवान ने आंख से आंख मिलाई, कहा भाई साहब कम हियर, यू हैव डन योर वर्क। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण भैया को बुला के अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया। राम जी बोले बहुत बढ़िया, बोले भैया आप इतना बढ़िया तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो बोल नहीं रहनी है खाली, अरे वाह कहती तो तुड़ियों को दिखा देती। राम जी बोले हम लोग यहां धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग देखने आए हैं, आपके रहते जनक जी ने कह दिया कोई धरती पर वीर नहीं है, ऐसा उत्तर दिया है आपने जनक जी को कि जनक जी जीवन में जब जब वीर शब्द सुनेंगे अब तो उनको केवल आप ही का चेहरा दिखाई पड़ेगा और कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। इधर विश्वामित्र जी ने समय विचारा और मन में कहा कि अब समय आ गया है कि राम को भेजा जाए। गुरु जी बोले उठो राम भंजहुं भव चापा, राम 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 सीता राम राम।
विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया, उठ हो राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। जैसे गुरु आज्ञा प्राप्त हुई, मेरे राम जी सहज खड़े भए और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान धनुष की ओर चल पड़े। और यहां दर्शन करिए, राम जी जैसे धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए, वहां मिथिला में मिथिला के जितने नर नारी सभा में बैठे थे, सारे मिथिलावासी उसी क्षण अपने समस्त पितरों से प्रार्थना करने लगे, हे समस्त हमारे पितर, हम अपने जीवन का सारा सत्कर्म आपको सौंप रहे हैं, जितने सत्कर्म का पुण्य है आप सब ले लीजिए, बदले में केवल एक काम करिए, बच्चे जैसे कमल के नाल को तोड़ देते हैं, आप राम जी से धनुष तोड़वा दीजिए, इसके बाद हम जीवन में आपसे दोबारा कभी कुछ नहीं मांगेंगे। सीता जी की मां सुनैना मैया जब राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देखी तो विह्वल हो गए, अपनी एक सखी को बुलाकर बोली, सखी क्या इस सभा में सब खेल देखने के लिए लोग बैठे हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, कोई भी इस बालक को रोकता क्यों नहीं है? ये जो कार्य करने जा रहा है ये बालकों का कार्य नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया उसको ये बालक तोड़ेगा? अरे मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता इस बालक को? सखी ने कहा, महारानी जीवन में तेजवंत को छोटा न समझिएगा, तेजवंत लघु गनी अनरानी। सूर्य भगवान का छोटा सा गोला निकलता है पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है, कितने भी बड़े देवता क्यों न हो एक छोटा सा मंत्र उस देवता को बस में कर लेता है, विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में बना के रखता है। अगस्त ऋषि का जन्म मटके से हुआ था, घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि कहते हैं पूरा समुद्र पी करके बैठ गए। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी मानिए, आप जिनको छोटा कह रही हैं ना, आज वही सभा में बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं, आप भरोसे में रहिए बस। इधर सीता मैया पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं, मां आपने मुझे आशीर्वाद दिया है और ये धनुष आपके पति भगवान शंकर का है, धनुष को वही तोड़ेगा जिससे बाबा तुड़वाना चाहेंगे, आप उनकी अर्धांगिनी है, आप बाबा से कहिए ना कि मेरे नाथ के हाथों तुड़वा दे उस धनुष को। और किसी का बात बाबा माने चाहे ना माने, आप उनकी अर्धांगिनी है, आपकी बात अवश्य मानेंगे, आप कहिए ना। सीता मैया गणपति भगवान से, गणनायक परदायक देवा, गणनायक परदायक देवा, आजू लगी कहती है, गणपति भगवान आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी सेवा की थी, आप कितने भारी हैं,
परंतु जब आप मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए। माँ सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में धनुष से प्रार्थना करती है, शिव जी के पिनाक से। हे शंभु जी के पिनाक, अब तो मुझे आप ही का भरोसा बचा है। सब कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हो गए हैं, एक मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। जैसे प्रभु आपके पास आ रहे हैं ना, आज आप में जितना भार है, अपना सारा भार यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं इनके सर पर रख दीजिए। मेरे प्रभु को देखते आप पुष्प जैसे हल्के हो जाइए। माँ प्रार्थना करती हैं, मन ही मन प्रेम मंत्र का जाप करती हैं। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिलाए न कछु सन। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, कृपा प्रेम मंत्र का जाप करती हैं। भगवान ने मां की व्याकुलता का दर्शन किया और उसके बाद राम जी अब धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी बैठे गुरु जी के पास। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष को देखने लगे, अब यानी उठाने वाले हैं। गुरु जी के पास बैठे थे, लक्ष्मण जी खड़े भय और खड़े होकर दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे, दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिग्पाल वराह सावधान हो जाइए आप लोग, भैया धनुष उठाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए धनुष के साथ साथ पूरी धरती ऊपर उठ के चली आए, आप लोग धरती पकड़ के बैठ जाइए। पूरी सभा अब तक राम जी को देख रही थी, अब पूरी सभा लक्ष्मण जी को देखने लगी। आपस में मिथिलावासी बात करने लगी, चल क्या रहा है, तोड़ने बड़का गया है, आई छोटका क्यों पांव से धरती दबा रहा है अपने है? राम जी गए और जाकर प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई है। परिक्रमा लगाकर प्रभु ने धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया है। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे, धनुष के पास पहुंचकर गुरु जी को प्रणाम किया। कौन गुरु जी? अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को गुर ही प्रणाम मन ही मन की हा। और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में भगवान ने अपना ले जाकर हाथ कर रख दिया। जैसे भगवान ने धनुष को लिया है, जैसे उठाया, बिजली की चकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ दिया। ए जी दम के उतामिनी जिनि जब लयउ कुनि नव धनु मंडल सम भयउ, लेत चढ़ावत खेत तगाए काहु न लका देख सब ठाए, तेहि छन राम मा जनन तोर हरे भुवन धुनि घोर कठोर, हरे भुवन धुनि कठोर।
धनुष को उठाया, बिजली की चकाचौंध चमकी, उतनी देर में ही भगवान ने झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी, पूरा ब्रह्मांड उस आवाज से भर गया। सूर्य नारायण देखने आए थे, उनके घोड़े पटक कर इधर उधर भागने लगे। पाताल में दिग्पाल बरहा, धूलि पर कलमना उठे, धरती पर संत सुर मुनि सब ने कांध बंद कर लिया। ये कैसी ध्वनि आई? गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर जी के पिनाक को राम जी ने खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली है, हलचल है, और जिसके कारण है उसमें कोई हलचल नहीं है। प्रभु दो चाप खंड मही डाले, प्रभु दो चाप खंड मही डाले, देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय सुखारे। मुदिता कहाँ ही कहाँ चल देनी सब है। अब ब्याह निखे भइल, खाली धनुष यज्ञ भइल बा, अभी जयमालो निखे भइल। आधा घंटा और बैठिए आप लोग, अभी बारात चलेगी, विवाह हो जाओ तब न जाएगी बा। पूरी चाहिए कि ना चाहिए ये बेरा? धनुष भंजने के बाद अब गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने सीता मैया की सखियों को कहा, अरे गदगद हो के सतानंद जी, गदगद बुझाता आ? अरे गदगद हो के सतानंद जी, सिय के आय सुदिहले, आव आव हे सिया हेने, आव हे सिया, अब प्रभु के जयमाला पहिराव, आव आव हे सिया। सीता मैया आई, चतुर सखी ने इशारा करके कहा, यहाँ पर दर्शन करिए, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। सखी ने देखा राम जी का हाइट ज्यादा है, सीता जी छोटी हैं, कहीं राम जी और ना तनी जाएं, तो इशारे से कहा चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा वहु जयमाल सुहाई। मेरी माँ जयमाल उठाई पहनाने के लिए, प्रेम के कारण पहना नहीं पाई। सखियां देखी राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी, सखियां कहती हैं, ए रघुबर लाला ई जयमाला पहिर ले, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ले, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ले, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ले। अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले तरी अपनी आगे सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे आज, अरे अपनो निहुरली, हे रघुबर लाला जयमाला, हे रघुबर लाला जयमाला। इसी में एक सखी ने व्यंग कर दिया, अवधम लौटे के असरा के त्याग दी, अवधम लौटे के असरा के त्याग दी, मिथिला से जाए के असरा के त्याग दी,
मिथिला से जाए के असरात के त्याग दी। लक्ष्मण जी बोली यदि अपने घर नहीं जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग। बोली यही जा, घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, मिथिले में रहिली ए रघुबर लाला जयमाला, ए रघुबर लाला जयमाला पहिरली, ए रघुबर लाला जयमाला पहिरली। लक्ष्मण जी सुने चक्रवर्ती राजा के लड़का कोई घर जमाई बना रही है, निकाल लिए बाण मार देंगे। सखी बोली बाण दिखावे अलवड़े जा। राम जी से बोली ताके ले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी। हम ना डराइब चाहे, हम ना डराइब चाहे, अरे धनुहा पे तीर ली हे रघुवर लाला जयमाला, कहे कर जोरी दास नारायण नेह निधि, कहे कर जोरी दास नारायण नेह निधि, कहे कर जोरी दास नारायण नेह निधि, कहे कर जोरी दास नारायण नेह निधि। सिया जी के नाते हरी, सिया जी के नाते हरी, अरे सिया जी के नाते हरी हियरा के पीर ले रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे 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 रघुबर लाला जयमाला पहिरली। सखियां 10 मिनट कहते रहीं झुक जाई झुक जाई, राम जी तनिको नहीं झुके। एक सखी बोली बहुते ढीठ है वो, तब से कहत हैं जा झुक जा झुक जा। एक सखी बोली हमरे पास एक उपाय है, हमको पता चला है कि राम जी बहुत लजपोकर है। लजपोकर बुझाता, लजपोकर यानी शर्मीले। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो अपने को सखियों के बीच में घिरा देखेंगे तो मारे शर्म के सिर नीचे झुक जाएगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता जी माला पहना देंगी। एक सखी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी आप तनिक यहां से साइड हटिए। लक्ष्मण जी बोले दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमको भैया से अलग कर दे, हम अलग नहीं होते भैया से। सखी बोली बियाह तहार कि तेरी भैया के, तेरे भैया के भैया नतार कौन काम भाई जा, हटाई जा से। लक्ष्मण जी बोले भैया हमको भगाया जा रहा है। राम जी बोले अब ससुराल में बानी कुछ बोले ना हमें जावाज हम, अरे बोलिएगा नहीं। लक्ष्मण जी दूर जाके खड़े हुए, जैसे लक्ष्मण भैया गए सखियों ने भगवान को चारों ओर से घेर लिया। जैसे भगवान को घेरा भगवान बोले लक्ष्मण भैया से भैया घेरा गई बानी। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले थे, आज कुछ बोलूंगा नहीं तो आज मैं कुछ देखूंगा नहीं, जौन होता होके दी। सखियां चारों ओर से भगवान को घेर कर अलगी गरियाने। बताओ कहां से दुल्हाइल वा करिया हेतना, हेतना करिया दुल्हा होला। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले,
काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, अरे कुसुम कली मन मानी ललके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललके रंग बादामी, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अरे मधुर मधुर मुसुकानी ललिके रंग बादामी, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, हाँ बादल बरसत, बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे सखी प्रेम रंग में रंगानी ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललिके रंग बादामी, गावहि छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, तब तक सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर मेली, मगन भाई मिथिलानी ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललिके रंग बादामी, बोलिए दुल्हा सरकार की, बोलिए दुल्हिन महारानी की, प्रभु रघुबर उर जयमान, देखि देव बर सही सुमान, सचे सकल भुआर जनो माँ ने जैसे भगवान के गले में जयमाल पहनाया, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, उसी बीच वहां परशुराम जी आ गए, आंखें चढ़ी हुई, जिसकी ओर प्रेम से भी देखते थे लगता था मानो आज अंतिम दिन है जीवन का। जनक जी से मिले, पूरी बात सुने, कहे जनक निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। अब जिन जिन राजाओं से धनुष नहीं हिला था वो राजा अपने बगल के राजा से बोलना शुरू किए, हम जानते थे बवाल होने वाला है, तुम क्या जानते हो, हमारे में बल नहीं है, हम जानते थे बाबा जी आने वाले हैं इसलिए हम गए नाटक करके चले आए, हम जानबूझ के नहीं तोड़े। राम जी आगे आकर प्रणाम करके बोले, मुनिवर इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है। परशुराम जी बोले, दास नहीं शत्रु है, निकाल कर बाहर करो, न तो मारे जय ही सब राजा, सभी राजाओं को मार दूंगा। यह राम जी और परशुराम जी में खूब वार्ता भई। अंत में भगवान ने कहा कि मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है परशुराम जी, जितना बड़ा आपका क्रोध हो गया है। आप कह रहे किसने तोड़ा, तोड़ा किसी ने नहीं, पुराना था छुआ और टूट गया। रही बात युद्ध की, मैं रघुवंशी हूं, रघुवंशी काल से भी नहीं डरता युद्ध में, लेकिन काल से भी लड़ने वाला रघुवंशी राम
परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय बन के रहता है, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। परशुराम जी को परिचय मिला राम जी का, जय जयकार करके क्षमा याचना करके वापस गए महेंद्र पर्वत पर। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब आप अपने घर के श्रेष्ठ लोगों से व्यवहार विचार करिए और जो आज्ञा दे उसका पालन करिए। मंत्रणा हुई कि दूतों को पत्र देकर भेजा जाए अयोध्या, जिससे दशरथ जी बारात लेकर आवे। दूत पहुंचे अयोध्या, दशरथ जी को सुनाए, चक्रवर्ती जी जाकर गुरुदेव को सुनाए और गुरु जी ने तुरंत बारात के निकलने का मुहूर्त बताया। याद रखिएगा, विवाह का मुहूर्त नहीं निकला, बारात के प्रस्थान का मुहूर्त निकला। बारात सज के तैयार हो गई, के बाराती बन के आइल बाज, खाली जे बाराती बा उहे हाथ उठाई, घराती मत उठाई। हलो, आज तो बारातियों की संख्या बढ़ गई भैया। बारात सच के चली, अयोध्या के महात्मा गाने लगे, अरे अवधान गरिया से, अवधान गरिया से, अरे चलली बारियतिया हे, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे अवधान। चलली बारियतिया हे, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे। सब देवता ना मिली चलले बारियतिया हे, सुहावन लागे सब देवता ना मिली, सब देवता ना मिली चलले बारियतिया हे, सुहावन लागे। बजवा बजेला घना जवा के शब्द सुनी हुल से मोरी छतिया हे, सुहावन लागे बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी हुल से मोरी छतिया हे, सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जो परिछन को चलली सब सखिया सहेलिया हे, सुहावन लागे परिछन को चलली सब, परिछन को चलली सब सखिया सहेलिया हे, सुहावन लागे। पहिरे लीला लहंगा पटो कहत रसिका जना,
दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे कहता रसिका जना कहता रसिका जना दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे बारात चार दिन में अयोध्या से चलकर मिथिला पहुंची। कितना दिन में? अद्भुत बारात। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात में के बाद हाथ में माला अभाल में चंदन हाथ में माला भाल में चंदन सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला यह बरात सब भांति मनोहर यह बरात सब भांति मनोहर एक कमी है बस अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला श्री राम जी की अजब बारात से मिथिला चली इतने बराती किंतु किसी को इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। रात में बारात जहां रुकी है बराती भोजन कर रहे हैं अब मन में सोच रहे हैं क्या मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे तिलकौर के पकौड़ी मिली तरुआ मिली कढ़ी बड़ी मिली खूब आनंद होगा मिथिला में बहु आइटम मिलेंगे मिथिला में बहु आइटम मिलेंगे यहाँ मरी गए सतुआ खार अवध से मिथिला चली श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला विवाह के 15 दिन पहले बारात मिथिला पहुंच गई। कितना दिन पहले? 15 दिन पहले। भव्य स्वागत करके जनवासी में स्थान दिया श्री जनक जी महाराज ने। लक्ष्मण जी राम जी जाकर पिताश्री से मिले। सखियों ने जब राम लक्ष्मण जी और भरत शत्रुघ्न जी को देखा तो रनिवास में मेरी सीता मैया की सखियां प्रार्थना करती हैं ब्रह्मा जी बरात भले एक जना के आयल बा लेकिन आप ऐसा कोई चक्कर करिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए यहां से एक भी भाई कुमारा न लौटने पाए। सखियां ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगती हैं। मुहूर्त निकाला गया। हमने कि यहां ब्याह में एक विधि होती है मटकोड़। यहां मटकोड़ होता है रोहतास में मटकोड़ होता है ना। देखिए गोस्वामी जी ने विवाह के मुहूर्त की चौपाइयों को विवाह के गीत पर लिखा है। यहां कौन सा गीत गाया जाता है हमको नहीं मालूम लेकिन हमरी गांव की ओर गावल जाला। अरे कहावा के पियर माटी यह गावल जाला नहीं हो जा। अरे कहावा के पियर माटी कहां के कोदार है कहावा के पियर माटी कहां के कोदार है
कहवा के पांच सुहागिन मति कोड़े जा सुहे मिथिला के पियर माके मिथिल के कुदारी हे मिथिला के पियर माके मिथिल के कुदार हे मिथिल के पांच सुहागिन मति कोड़े जा सुहे मिथिल के पांच सुहागिन मंगला मूला लगन दीन आवाजी मंगला मूला लगन दीन आवाजी हिमरी तू अगहना मास सुहावाजी हिमरी तू अगहना मास सुहावाजी ग्रह तिथि न खता जोग बर बारू जी ग्रह तिथि न खता जोग बर बारू जी लगन सो दीदी की न दिसारू जी लगन सो दीदी की न दिसारू जी लगन मुहूर्त निकला अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार का और यही मुहूर्त जनवासी में जहां बारात रुकी है ब्रह्मा जी बिचारे और यही मुहूर्त जनक जी के महल में उनकी ज्योतिषी बिचारे नारद जी लाकर ब्रह्म जनवासी में मुहूर्त दिए हैं लोगों ने जय जयकार की विवाह का दिन आया ठीक गोधूली बेला में सूचना पहुंची और श्री जनक जी दशरथ जी महाराज बारात लेकर द्वार पूजन के लिए चल पड़े भगवान दुल्हन स्वरूप में अश्व पर आरूढ़ है शंकर भगवान 15 नेत्र से कार्तिकेय जी 12 नेत्र से ब्रह्मा जी 8 नेत्र से इंद्र हजार हजार नेत्रों से भगवान के इस रूप का दर्शन करते हैं द्वार पूजन हुआ और द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर ले गई। अच्छा रुआ से बताएं द्वार पूजन के बाद लड़का दुल्हा आंगन में जाता है कि जनवासे में जाता है बिया भइल बनो तो कहां चल जाला जनवासे में आंगन में नहीं जाता लेकिन राम जी आंगन में गए क्यों आंगन में गए क्योंकि जब दुल्हा अपने घर से चलता है तो दुल्हा का चुमावन होता है हल्दी लगता है ये कौनो कार्यक्रम राम जी का नहीं हुआ था तो ये सारा चुमावन और मावन का कार्यक्रम राम जी का मिथिला में संपन्न हुआ इसलिए चुमावन करने के लिए सखियां लेकर गईं ले जाकर भगवान को बिठाई भगवान चावल लेके हाथ में बैठ गए एंगन चुमावल जाला सखियां अरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे कंचन थाल संहार सुवारती कंचन थाल संहार सुवारती घुमावत हो ललना धीरे धीरे घुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे महल से दौड़ी सरहज आई महल से दौड़ी सरहज आई अरे महल से दौड़ी सरहज आई महल से दौड़ी सरहज आई बजावत हो कंगना धीरे धीरे बजावत हो कंगना धीरे धीरे घुमावत हो ललना धीरे धीरे मंगल गाई सुनैना जी आई मंगल गाई सुनैना जी आई मंगल गाई सुनैना जी आई मंगल
गाई सुनै ना जियानी सुनावत हो गीतिया धीरे धीरे सुनावत हो गीतिया धीरे धीरे सुनावत हो ललना 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 धीरे धीरे। एक सखी बोली दूल्हा तो बहुत करिया है हो उबटन नहीं खे लागल। अरे उबटन बिना दुल्हा बाबू उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गई ले करिया है उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गई ले करिया है भादो के अमावस्या के रात जस अन्हरिया है भादो के अमावस्या के रात जस अन्हरिया है के अमावस्या के उबटन ना लगवली इनकर उबटन ना लगवली इनकर बहिन महतरिया है कौशल के नाम हसवली रही गईली फुहरिया रे कौशल के नाम हसवली रही गईली फुहरिया रे कौशल के नाम हसवली हमारा किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है हमारा किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है हमारा किशोर सियाजू जनक के दुलरिया है हमारा किशोर सियाजू जनक के दुलरिया है दुल्हा के गोर बनई है बैठते कगरिया है दुल्हा के गोर बनई बैठते कगरिया है दुल्हा के गोर बनई है बैठते कगरिया है दुल्हा के गोर बनई है। अभी अभी रुकिए बताएंगे अभी रुकिए बताएंगे बताएंगे अभी दो मिनट अभी पहुंचल लिखी जाओ जा चुमावन हुआ भगवान का परिछन हुआ उसके बाद भगवान विवाह के मंडप में आए सखियां मेरी माँ को लेकर आई चारों वेद भगवान शरीर धारण करके विवाह कराने के लिए प्रकट होके बैठे हैं सूर्य नारायण अपने वंश की परंपरा बताने के लिए प्रकट होके बैठे हैं अग्नि कुंड में साक्षात अग्नि देवता प्रकट होकर बैठे हैं सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ उसके बाद पद प्रक्षालन हुआ स्वर्ण थाल में जल लेकर सुनैना मैया के साथ महाराज जनक मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों को पखारना प्रारंभ करते हैं पूरे देव समाज देवता एक स्वर में बोलने लगे जनक जी महाराज कौन से चरण को पखार रहे हैं ये वही चरण है जिसको देखने के लिए महात्मा मुनि जन्म जन्मांतर से आधन ध्यान करते हैं ये वही चरण है जो शंकर जी के मन में रहता है ये वही चरण है जिनसे अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई ये वही चरण है जिसका स्मरण करने मात्र से जीवन के सारे पाप जर के भस्म हो जाते हैं आज जनक जी उन्हीं चरणों को हाथ से पखार रहे हैं आज ब्रह्मांड में जनक जी महाराज से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता बोलिए जनक जी महाराज की जय। साखोचार हुआ सीताराम जी हाथ जोड़कर बैठे राम जी की तरफ से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया फिर सीता मैया जी की ओर से गुरुदेव भगवान श्री सतानंद जी ने साखोचार किया साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनु जमुनि आनंद भरे पाणी ग्रहण हुआ पाणी ग्रहण के बाद कन्यादान भया कन्यादान के बाद
करि हो मा देवत गाथ जोरे हो भया। विधिवत होम के बाद विधिवत गठबंधन भया, और गठबंधन के बाद भावरी पड़ी। भावरी पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे आदेश मिला, राम सिर सिंदूर देहि शोभा कहि न जाते विधि के, अरुण पराग जलज भरनी के, ससि भूष अहिलोभ के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन पर दुलही ने बैठे आसन, बहुरी वशिष्ठ जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया है, तीन लोक चौदहों भुवन एक साथ बोला, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हिन महारानी। भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर विराजमान हो जाए। मेरी मां कर प्रभु के पास विराजमान हुई। जनक दशरथ जी महाराज ये दृश्य देखकर गदगद हो गए। इधर गुरुदेव भगवान जनक जी से पूछे, कहा घर में और बेटी बची हैं आपके? जनक जी बोले, गुरु जी तीन गो बेटी बच गई है। गुरु जी बोले, आपके घर में तीन गो बेटी है तो हमारे घर में तीन गो बेटा बचे हैं। बोलावा सबके यही माड़ो भाते सभी निपट जाइए आज। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी मैया से हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से हुआ, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया से हुआ। विवाह के मंडप कितना बा माड़ो? कौ गो माड़ो बा? दुल्हा दुल्हन कितना हो गए? अब आप कल्पना करिए, जो बाप एक बेटी के विवाह के लिए माड़ो छावे, और ऐसी गुरु जी की कृपा भाई कि उस मंडप में एक नहीं चार चार बेटियों का विवाह संपन्न हो जाए, इससे अधिक आनंद की वर्षा कहीं नहीं हो सकती। एक साथ चार दुल्हा को देखकर सखियां नाचने लगी। आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में ये बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ के कमाल सखिया, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरारे जूल कारे कारे कजरारे झूल में नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया,
चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। आँखियों न देखानी हम सुनानी न कान है। आँखियों न देखानी न सुनानी न कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। जुग जुग जोड़ी अरे बेमिसाल सखिया। अरे बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सावर सुरतिया। देख देख दुल्हा जी के सावर सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। अरे बेहाल सखिया। अरे बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलना। जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलना। से ही हमरा मिथिला में हमान भैलन। से ही हमरा मिथिला में हमान भैलन। आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया। आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। चारों दूल्हा में
कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़के कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हिन महारानी की जय। जे जहां बहु जब उठ जाओ, 5 मिनट और ही। भोजन है वो, भोजन लगाओ, लगाइए लगाइए, भोग लगाइए, जल्दी लिख आओ के भूख लागल होई। विवाह के बाद सखियां चारों दुल्हा दुल्हन सरकार को कोहबर में ले गई, कोहबर लीला भई, उसके बाद भोजन करने बैठे। जैसे राम जी भोजन करने बैठे, सखिया लगी गरियाने सब, गाड़ी होला नहीं जा। अरे पहुना के गरी जनी कहे हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी पर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन। ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो, पहुना के स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, कोमल स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, कोमल स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक। सिया जी के छाया ऐसन, सिया जी के छाया ऐसन, सांवर शरीर हो, पहुना के गरी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी ऐसे तक कितनो गरी अबू पूछू बोली है नाही। ऐसे तक कितनो गरी अबू पूछू बोली है नाही, इनका के कितनो गरी अबू पूछू बोली है नाही, इनका के कितनो गरी अबू पूछू बोली है नाही। कहे हियरा भी साल इनकर, हियरा भी साल इनकर मतिया गंभीर हो, पहुना के गरी हजनी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी हजनी। जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। लक्ष्मण जी बोले भैया बर्दाश्त के बहरा होता हमरी। जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। पूर्वज दिलीप इनकर, पूर्वज दिलीप इनकर जैसे अहीर हो, पहुना के पति से न मतलब कवनो फिर भी चार बबुआ पवली, पति से न मतलब कवनो फिर भी चार बबुआ पवली, पति से न मतलब कवनो फिर भी चार बबुआ पवली, पति से न मतलब कवनो फिर भी चार बबुआ पवली। कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा खा खा के खीर हो, पहुना के गरी हवन बड़ा धीर
रघुबर के पांच गो तपिता जी प्रसिद्ध बाड़न रघुबर के पांच गो तपिता जी प्रसिद्ध बाड़न लक्ष्मण जी बोले हमरा से बर्दाश्त ना होई भैया कह तालो कि पांच गो बाबूजी बनन हमनी के राम जी बोले सुगा हमरो के सुने द के ह रघुबर के पांच गो तपिताजी प्रसिद्ध बाड़न रघुबर के पांच गो तपिताजी प्रसिद्ध बाड़न अग्नि जटायु दशरथ अग्नि जटायु दशरथ कौशिक ध्वज सिर हो पहुना के गरी हवन बड़ा वीर हो पहुना के गरी हवन बड़ा वीर हो पहुना के गरी राम जी की एक बहन है जिनका नाम है शांति पूज्य मामा जी की रचना है मामा जी राम जी से कहते हैं नारायण ने हनिधि पहुना से शांति मांगे नारायण ने हनिधि पहुना से शांति मांगे नारायण ने हनिधि जीजा जी से शांति मांगे नारायण ने हनिधि जीजा जी से शांति मांगे जमके रहे मनवा रौरी जमके रहे मनवा रौरी चरणन में धीर हो पहुना के करे हजने हवन बड़ा धीर हो पहुना के करे हजने हवन बड़ा धीर हो पहुना के करे हजने हवन बड़ा धीर हो पहुना के करे अनेक प्रकार से सखियां मंगल विनोद करती हैं विवाह के बाद भी बारात कई दिनों तक मिथिला में रुकी रही विदा न हुआ बारात का यदि मिथिला में कई दिन रुक सकती है बारात तो खैरा भोजर में तो एक रात रुकी सकती है इसी दृश्य के साथ कि भगवान दुल्हन स्वरूप में बारातियों के साथ मिथिला में रात्रि विश्राम करते हैं आज की बेला को हम और आप विश्राम देते हैं आप सभी लोगों को पुनः मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के मंगलमय विवाह की बहुत बहुत बधाई आज के बाद कथा दो दिन शेष है कल और परसों एक सूचना सुनते जाइए कल हम और आप अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करेंगे जैसे समय पर 3:30 बजे कथा प्रारंभ होती है होगी परसों की कथा के समय में परिवर्तन है परसों विश्राम सत्र की बेला है परसों की कथा दिन में 10 बजे प्रारंभ होगी भैया ठीक है ना परसों यानी आज कौन दिन है वो सोमवार बुधवार की कथा दिन में 10 बजे प्रारंभ होगी परसों की और कल की कथा जैसे नित्य 3:30 बजे होती है आप कल आवें अयोध्या कांड की कथा कल श्रवण करेंगे तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा पर उठाकर एक स्वर में बोले हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। सादर जय सियाराम। एक निवेदन आप सभी से, भगवान की मंगलमयी श्री आरती का दर्शन करने के पश्चात ही आप प्रस्थान करें और प्रस्थान करने के पूर्व प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए पंचदेव भगवान को नमन करते हैं। मंच पर प्रतिष्ठित व्यासपीठ पर विराजमान तीनों लोकों के ठाकुर के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात, श्री रामचरितमानस भगवान को नमन और दिव्य व्यासपीठ पर शोभायमान प्रातस्मरणीय परम पूजनीय व्यास भगवान पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हैं। आज आप सबने ये महसूस किया, हम सभी ने ये महसूस किया, इस पूरे प्रांगण में बैठे एक एक भगत ने यह महसूस किया कि आज हमारे पूज्य महाराज श्री की दिव्य वाणी ने चमत्कार किया और उस वाणी के चमत्कार ने खैरा भूधर के इस पांडाल में बैठे एक एक भक्त को जनकपुर के स्वयंवर की सभा में पहुंचा दिया। साक्षात दर्शन हम सब ने धनुष यज्ञ महामहोत्सव का किया। इस दिव्य वाणी को नमन करता हूं, बारंबार नमन बारंबार वंदन है। ये चमत्कार पूज्य महाराज श्री की वाणी करती रहती है। भगवान के दिव्य विवाह महोत्सव का दर्शन हम सब ने किया है। भक्त का, भक्ति और भगवान का विवाह, प्रकृति और पुरुष का विवाह, जीवात्मा और परमात्मा का विवाह, माया और ब्रह्म का जोड़, ये सब हमने आज देखा। श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव का दर्शन किया। हम सब के साथ साथ जो हमारे गणमान्य अतिथिगण आए हैं, आपने भी दर्शन किया। किरण प्रभाकर जी के नेह में, स्नेह में और पूरे परिवार के प्रेम में जो लोग भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पधार रहे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उसी क्रम में विपिन बिहारी सिंह जी, गायत्री देवी जी बलिया उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, आप आए, ठाकुर जी का दर्शन करें, पूज्य सरकार से आशीर्वाद ग्रहण करें। रामचंद्र पांडे जी डुमराओं से पधारे हैं, श्रीमान संतोष राय जी डुमराओं से पधारे हैं, श्रीमान पप्पू सिंह जी अकोड़ी गोला डेहरी विधानसभा से पधारे हैं, श्रीमान अभिषेक सिंह जी अकोड़ी गोला डेहरी विधानसभा से आप पधारे हैं। कृपया आप मंच पर उपस्थित होवें, ठाकुर जी का दर्शन करें, सरकार से आशीर्वाद ग्रहण करें। मृत्युंजय कुमार जी पेमागोह विधानसभा से पधारे हैं, आनंद राय बिट्टू जी काशी से आप पधारे हैं, अंकित जी विक्रमगंज से पधारे हैं, श्रीमान प्रमोद जी विक्रमगंज से पधारे हैं, श्रीमान राकेश शर्मा जी गायत्री परिवार संझौली से पधारे हैं, श्रीमान श्रीधर शर्मा जी पेमागोह विधानसभा से पधारे हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी महानुभाव मंच पर आवें, ठाकुर जी का दर्शन करें और सरकार का दिव्य आशीष प्राप्त करें। बिंदा सिंह जी विक्रमगंज से पधारी हैं, प्रमोद मयुआर जी नुनहर से आए हैं, श्रीमान विंध्याचल सिंह जी विक्रमगंज से आए हैं, श्रीमान वेद पांडे जी पटना से आए हैं, श्रीमान राहुल सिंह जी पटना से आए हैं, पुष्पा देवी जी गायत्री परिवार संझौली से आई हैं, रवि शर्मा जी काराकाट विधानसभा से आए हैं, राहुल गोपाल पाठक जी बक्सर से चल के आए हैं। आप सभी महानुभावों का किरण प्रभाकर जी के तरफ से, पूरे परिवार के तरफ से, किरण प्रभाकर जी के पूज्य पिताजी कपिल मुनि तिवारी जी और पूजनीय माता जी मालती देवी जी के तरफ से, शशि शेखर जी के तरफ से और पूरे परिवार के तरफ से, समस्त देवता तुल्य अतिथिगण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन है। और जितने लोग पांडाल में उपस्थित हैं, आप सभी जनता जनार्दन हैं,
आप देव स्वरूप हैं, देवी स्वरूप हैं। आप सभी का भी किरण प्रभाकर जी हार्दिक स्वागत करती हैं, वंदन करती हैं, अभिनंदन करती हैं। ये दिव्य महामहोत्सव, भगवान की ये कथा गंगा जिसमें अवगाहन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य जागृत हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये सुखद काल, सुखद समय और सुखद अवसर इसी जीवन में हम सबको प्राप्त हो गया। ये भगवान की बड़ी कृपा है। किरण जी ने सुंदर रचना बनाई, अपने बाबूजी अपने माताजी के आशीर्वाद से और सुंदर रचना बना करके पूज्य सरकार से आग्रह किया, और पूज्य सरकार ने भी पूरे परिवार का प्रेम देखा, स्नेह देखा, और भगवत कथा में नेह देखा, और भगवान की कथा में भाव देखा, श्रद्धा देखा, अनुमति प्रदान कर दिया। खैराभूदर गांव में ठाकुर जी के साथ हमारे पूज्य सरकार पधारे, श्री रामचरितमानस जी के साथ हमारे पूज्य सरकार पधारे। दिव्य वाणी में, अमृतमयी वाणी में भगवान की कथा गंगा प्रकट हुई और हम सभी का जीवन धन्य हो गया। इन्हीं सुखद सुअवसर को प्राप्त करते हुए हम आप सब इसी तरह बने रहेंगे। आइए अब भगवान की श्री आरती, मंगल आरती का दर्शन करते हैं। आप सभी आरती जी को स्वीकार करेंगे, तत्पश्चात प्रस्थान करेंगे। सादर जय सियाराम। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। नयन कजरवा अलक घुंघराली काली, कनवा में कुंडल सोहे ओठवा में पान के लाली, सोहे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के, सोहे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। मंद मुसुकान और तीरछित कान है, जाकी कोई उपमाना सकल जहान है। कोटि काम छवि वारों अंग अंगन दुल्हा के, कोटि काम छवि वारों अंग अंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है, लाडली कृपा से पवनों ऐसन में हमान है, ऐसन
बांधू नाही छूटे गठबंधन दुल्हा के ऐसन बांधू नाही छूटे गठबंधन दुल्हा के सखी है आरते उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरते उतारो रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के दुलरुआ दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के दुलरुआ दुल्हा के सखी है आरते उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरते उतारो सखी है आरते उतारो सखी है आरते उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नाग्रजातिकरवीलरसालपुष्पै विल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि।